तो अभी व्यू टू कमांड देख रहे हैं, व्यू में क्लिक कर दें। व्यू में पहला कमांड नॉर्मल है, इसमें बक्सा बना है, इसका मतलब क्या है, हमारा अभी यही व्यू है, नॉर्मल व्यू है। अगला है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसमें क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या दिखा रहा है कि एक पेज में कितना डेटा आएगा। जिसको कर रहा है पेज वन लिखा है कि हमारा पेज वन इतने में आएगा, नीचे आ रहे हैं, लाइनें भी खींची हुई हैं, ये यहाँ लाइन खींची है, ये लाइन, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का पेज टू में आएगा। और अगर आप देखें बाएं साइड तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये कि ये डेटा कहाँ जाएगा, पेज छः में चला जाएगा। यानी पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या दिखा रहा है कि एक कौन सा डेटा किस पेज में आएगा। जनरली पेज का डायरेक्शन हमारा क्या है, नीचे से बाईं ओर जाता है, ऊपर से नीचे आएगा, फिर क्या जाएगा, बाएं जाता है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि जितने हमने टेक्स्ट लिखा है वो कितने पेज का है और कौन सा टेक्स्ट किस पेज में आएगा। ये जो पेज वन पेज टू लिखा है ना, प्रिंटआउट में नहीं आएगा ये, कई लोग मानते हैं पेज वन पेज टू प्रिंटआउट में आ जाए, अगर हम कंट्रोल पी करें यहाँ पे तो प्रिंटआउट में कोई पेज वन पेज टू लिखा हुआ नहीं, हमने पहले ही पढ़ा है कि व्यू टैब के कमांड का फर्क प्रिंटआउट में नहीं पड़ता है। वापस नॉर्मल कर दें, नॉर्मल। अगला पेज लेआउट है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, आपका हेडर फुटर भी दिखाई दे रहा है। यानी पेज ब्रेक में, पेज ब्रेक की तरह ही है, यहाँ पेज बाय पेज डेटा बटा हुआ है, कुल 16 पेज हैं बता रहे हैं यहाँ पर ये, लेकिन क्या यहाँ पे हम हेडर फुटर भी ऐड कर सकते हैं, ये हम इंसर्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। हेडर फुटर इंसर्ट में अगर हम जाएँ तो ऑप्शन हेडर फुटर के यहाँ होता है कि हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं हेडर फुटर, लेकिन यहाँ ज़्यादा सरल है। आप यहाँ ने पेज लेआउट किया, आपने यहाँ पर दिख रहा है, आपने यहाँ क्लिक किया, हमने लिख दिया ये दक्ष कैंसी जी, हेडर लिख दिया, ऐसे फुटर लिख दिया। यानी हेडर फुटर लगाने के लिए सरल तरीका है, ये हेडर फुटर प्रिंटआउट में आएगा क्योंकि इसका कमांड अलग से है इंसर्ट में, ये केवल व्यू कर रहे हैं, लेकिन हेडर फुटर जो हम लगा रहे हो प्रिंटआउट में आएगा वो, क्योंकि सेपरेट कमांड इसका इंसर्ट में है। तो पेज लेआउट में क्या फीचर मिल रहा है कि हम पेज में हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हैं, जो काम इंसर्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, इस व्यू में क्या काम सरल हो जाता है। हमारी इच्छा है हम करें ना करें, वापस आना है तो हमने क्या किया, व्यू में गए और क्या कर दिया, अभी देखिए सारे कमांड डिसेबल हैं, क्यों, क्योंकि हम हेडर वाले भाग में हैं, ये हमारा कर्सर कहाँ है, हेडर भाग में है। जैसे नीचे आएंगे सारे कमांड हमारे क्या हो गए, इनेबल हो गए हैं। वापस हमने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया। अगला हमारा कस्टम व्यू है, कस्टम मतलब कि हमने जैसा व्यू चाहते हैं वैसे सेट करना है। मान लीजिए लंबी सीट है, हम उसको चेक कर रहे हैं, हम मान लीजिए यहाँ पे 9 रिकॉर्ड तक चेक कर चुके हैं, 10 से आगे चेक करना है तो क्या होगा, हम जब भी सीट खोलेंगे तो कहाँ उस रूम पहुँच गया, कर्सर हमारे यहाँ शुरू में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि कर्सर हमारा कहाँ आए, 10 पे आए, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने जैसा व्यू सेट कर दिया है हमारा व्यू क्या होगा, वैसा ही आएगा, किससे आएगा, कस्टम व्यू से। कैसे करेंगे, 10 में क्लिक कर दिया, हम कस्टम व्यू में गए तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कोई व्यू नहीं है, हम नया व्यू ऐड कर सकते हैं। तो हमने कहाँ क्लिक किया, ऐड में क्लिक किया। ऐड में कब क्लिक करते हैं, जो हमें नया व्यू बनाना होता है, तो हमने ऐड में क्लिक किया और इसका नाम दे दिया कुछ भी, ए क्यू नाम दे दिया, हमने ओके कर दिया है। अब देखिए हम सेट में कहीं भी क्लिक कर दिए हैं और हमें सीधे कहाँ जाना है, नंबर 10 में जाना है जहाँ 10 लिखा है। हम कस्टम व्यू में गए और यहाँ से व्यू दिखा रहा है, हमने शो कर दिया तो हमारा कर्सर कहाँ गया है, सीधे नंबर 10 में आ गया है। यानी कस्टम व्यू क्या होता है, आपने जैसा व्यू सेट किया है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ये अपना वर्क व्यू, वर्कबुक व्यू के सेक्शन के कमांड थे। अगला सेक्शन हमारा शो सेक्शन है। शो में पहला कमांड रूलर है, अगर आप देखें रूलर डिसेबल हमारा है, रूलर हमारा एक्टिव नहीं है। रूलर जो हमारा है ये एक्टिव होता है केवल पेज लेआउट मोड में, अभी हमारा कौन सा मोड है, नॉर्मल मोड है, इसलिए सक्रिय नहीं है, क्योंकि 15,000 कॉलम के लिए पटरी नहीं बनेगी, पटरी बनती पेज के लिए। जैसे हम पेज लेआउट कर देंगे यहाँ पर, हमने पेज लेआउट में क्लिक किया, क्या देख रहे हैं स्केल हमारी क्या है, बन गई स्केल पर देखें। अब अगर आप देखें रूलर हमारा सक्रिय रूलर,
ये पटरी दिख रही है, अगर मैं क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने क्लिक किया टिक हट जाएगा, तो पटरी हमारी क्या हो जाएगी, गायब हो गई है। ए बी सी डी लिखा है लेकिन स्केल नहीं है, अगर क्लिक करेंगे टिक लग जाएगा तो हमारी स्केल क्या है, आ जाती है। ये रूलर का ऑप्शन केवल पेज लेआउट मोड में ही होता है, बाकी जो व्यू हैं नॉर्मल, पेज ब्रेक और कस्टम, इनमें रूलर कार्य नहीं करती है, केवल किसमें काम करती है, पेज लेआउट में काम करती है। वापस नॉर्मल में आ जाइए, ग्रिड लाइन में टिक लगा है तो क्या ही ये जो लाइनें हैं हल्की लाइनें दिखाई दे रही हैं, अगर टिक हटा देंगे तो लाइनें दिखाई नहीं देंगे। देखिए आपकी लाइनें गायब हो गई हैं, लाइनें गायब हो गई इसका मतलब नहीं कि सेल नहीं है, सेल अभी भी है, अगर आप कहीं भी चलाएंगे एरो की वैसे चले ऐसे लाइनें चाहिए हमारी। अगर हमें क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन में तो क्या हो जाएगा, अगर फिर से क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन में तो हमारी लाइनें क्या आ जाएंगी, और ये लाइनें प्रिंटआउट में नॉर्मली नहीं आती, अगर हम कंट्रोल पी करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई लाइन प्रिंटआउट में नहीं है, ग्रिड लाइन प्रिंटआउट में नहीं आती, ग्रिड लाइन प्रिंटआउट में आप चाहें तो ला सकते हैं, नॉर्मली प्रिंटआउट में ये नहीं आती ग्रिड लाइन। ये फार्मूला बार है, फार्मूला बार हम इसे बोलते हैं, ये जो पट्टी है जहाँ राम थ्री लिखा है, यहाँ पे क्या है, हम जो भी जिससे हमारा कर्सर होता है वहाँ हम जो भी कार्य कर रहे हैं दिखाई देता है, जैसे हमने सीधी टू में क्लिक कर दिया तो सीधी टू यहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ दिख रहा है, फार्मूला बार में दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं दिखाई ना दे फार्मूला बार तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बार के बगल में टिक लगाया हमने तो क्या हो गया, फार्मूला बार गायब हो गया है, क्लिक करेंगे टिक तो फार्मूला बार हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जनरली फार्मूला बार हम रखते ही हैं, सो रखते हैं, क्योंकि जो हम फार्मूले लिखते हैं, जो बदलाव करते हैं टेक्स्ट में एडिटिंग, वो फार्मूला बार की सहायता से होते हैं, तो अगर कभी हट जाए तो हम फार्मूला बार में टिक करके उसको वापस ला सकते हैं। अगला कमांड हेडिंग कमांड, हेडिंग मतलब क्या है, ये ए बी सी डी लिखा है इसको हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग, और जो 1 2 3 इसको रो हेडिंग बोलते हैं। टिक लगा है तो ए बी सी डी और 1 2 3 दिखाई दे रहा है, अगर हम टिक हटा देंगे तो जो ए बी सी डी लिखा ऊपर दिखाई नहीं देगा। जो देखिए हमने टिक हटाया यहाँ पे ना, तो क्या हो गया है, ए बी सी डी में नहीं है और ना ही 1 2 3 है, मतलब ना रो हेडिंग ना कॉलम हेडिंग, ये हेडिंग प्रिंटआउट में नहीं आती है, पहले में नहीं आती प्रिंटआउट में, लाना है वापस फिर से हेडिंग क्लिक कर दीजिए, ए बी सी डी आपका आ गया है। आगे देखें आपका जूम सेक्शन है, यहाँ जूम कमांड है, जूम से क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, साइज को बड़ा दिखा सकते हैं, बड़ी होगी नहीं बड़ी दिखेगी, हमने 200 कर दिया, साइज हमारी क्या डबल हो जाएगी, ये बड़ी दिख रही है बड़ी हुई नहीं है, वापस मूल रूप में लाना है तो बगल हमारा क्या है 100 है। अगला कमांड है जूम टू सिलेक्शन कमांड, मान लीजिए हमने अपनी सीट कुछ भाग सेलेक्ट किया है, इतना भाग हमने सेलेक्ट कर लिया है, हम चाहते हैं ये जो भाग है ये पूरी विंडो में दिखाई दे, जितनी चौड़ाई है वही दिखाई दे, कहाँ से कहाँ तक, क्रमांक से लेके बैंक 4 तक और कहाँ रो नंबर 8 तक, जूम टू सिलेक्शन हम कर देंगे तो क्या हो गया है, आपका यही दिखाई दे रहा है पूरे में बैंक 4 और 8 तक, अब ज़्यादा नहीं जाएगा चूँकि जूम करेंगे इधर आपका फैल जाएगा, यहाँ तक चुके आ चुका है आपका ये, यानी एक तरफ क्या हो जाएगा फुल हाइट एंड विड्थ आपका ले लेगा, पूरी यूज कर लेगा। तो जूम टू सिलेक्शन मतलब क्या है, जितना भाग सेलेक्ट है उसको क्या करेगा पूरे पेज में शो कर देगा, ये हमारा जूम सेक्शन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या किसी सेलेक्टेड भाग को छोटा बड़ा कर सकते हैं।